हाँ जी हाँ जी, जी कि मैंने उसको फंड्स दिए थे वो मेरे को वापस नहीं मिले, जिसकी जी वजह से मैं खुद प्रॉब्लम में हूँ। जी मैम, आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ होगा? हाँ जी ओके, अभी हम लोग आपके नाम से आपका डेट ऑफ बर्थ मैम, हाँ जी 5th अक्टूबर 1981। और टाइम ऑफ बर्थ मैम? 8:35 PM। प्लीज रोहतक हरियाणा। स्पेल आउट कर देंगे मैम प्लीज? ROH ROHTAK, ROH, परफेक्ट मैम। सर आई विल स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। ओके ओ मैम, बहुत तकलीफ होगी। सर, प्रॉब्लम्स तो बहुत है अभी। जी, बहुत तकलीफ होगी। आपका जो है चतुर्थ भाव में, आप देखिएगा, मंगल और राहु साथ में है, तो मतलब हाँ क्लियर जी कट थर्ड हाउस में जो है, मतलब चौथी साइन में बैठा है, तो पहले तो आपको देने ही नहीं चाहिए थे, और आपको इनसे थोड़ा डिस्टेंस भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जहां ओके। पर हाँ मतलब आपकी भाभी आ जाएंगी रोल प्ले में, जी वहां पर बहुत तकलीफें हाँ होने वाली है, जी सर। और आपको जॉब में भी प्रॉब्लम हुई होगी आपको। सर जॉब तो एक्चुअली मैंने नहीं करी है, मैंने स्टार्टिंग से ही अपना जो है काम बिजनेस किया है। जी बिजनेसेस कोचिंग कोचिंग का काम है मेरा अभी, जी बट ये कोरोना की वजह से बिल्कुल वो भी खत्म हो चुका है। खत्म हो गया। जी, उसमें भी प्रॉब्लम आ गई आपको, हाँ कोचिंग का जी काम था आपका। आपका बेसिकली हाँ जी आप क्या क्या सिखा रहे थे? ओके, सर, मेरे पास नर्सरी 2 8 ऑल स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स थे। आपका भावना जी, जो मिस्टर रिकार्डो, शी हैज अ क्वेश्चन, शी हैज अ क्वेरी, आई शी वाज गिव द आस्किंग मनी। इज द अमाउंट बिग व्हाट शी हैज यस गिवन टू हर ब्रदर। यस सर, इट शुड बी बिग, इट शुड बी वेरी बिग। ओके ओके, इट्स मोर देन 25 लाख सर। ओ माय गुडनेस, गॉड, बहुत बड़ा बिकॉज राहु इज देयर ना, ड्रामा। इट विल इन्फ्लेट एवरीथिंग, यस 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 यस, राहु विल इन्फ्लेट एवरीथिंग। द डेट इज अफेक्टिंग हर करियर ऑल्सो, यस हर सर, कोचिंग। या हर माइंड इज कंप्लीटली एट डिस्ट्रेस। एट्थ हाउस मून, मून या यस, वीनस, 6th हाउस लॉर्ड इज वीनस ऑल्सो ना, दैट इज ऑल्सो इन द 7th हाउस, अफेक्टिंग हर माइंड अगेन एंड अफेक्टिंग अपीयरेंस अफेक्टिंग अफेक्टिंग हर फैमिली लाइफ माइंड। आल्सो। यस, हाँ फैमिली लाइफ इज आल्सो डिस्टर्ब्ड। यस, इसको निकालने के लिए पेट्रो कौन सा है? एनी ऑफ द प्लैनेट्स आर रेट्रोग्रेड। राहु इज देयर इन द 3rd हाउस ऑल्सो, यस सर, थर्ड हाउस शोज सिबलिंग्स राइट, एंड मार्स इज यस कंजंक्टिंग विद राहु, सो राइट, मार्स शोज डिसएग्रीमेंट्स विद सिबलिंग्स बिकॉज इट इज द थर्ड हाउस। या एंड इट इज सिटिंग इन द फोर्थ राशि, दैट इज फ्रॉम द यस, मदर, विद द ब्रदर फ्रॉम द मदर।
Yes. मैम मैं तो आपको ये कहूंगा कि अभी जो आपने पैसे दिए हुए हैं इसको फिलहाल तो मतलब आप इसको फिलहाल अभी आप भूलें और अपने कैरियर के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करें. आपको मेडिटेशन जी आपको मेडिटेशन बहुत ज्यादा ट्राई करना है और आपको जो है गुरु का जप आपको आपको फिलहाल मदद करेगा. ये देखिए इसमें क्या हुआ है आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा आपका ये पास्ट लाइफ का कर्मा था. ठीक है. हमारे साथ जो है अभी काफी ज्ञानी लोग भी हैं. देखिए केतु है 9th हाउस में. So this is directly indicating her past life karma, and it has happened in the dasha of Ketu also. Okay, okay. And even Mars is retrograde, na? Mars is also retrograde. Mars and Mercury also retrograde. Yeah. Jupiter is combust. Saturn is combust. It's difficult to get the money back. Yeah. So yes. Difficult. Very difficult. To be honest, I don't know how to tell her. It's very difficult, actually. Me, actually, what has happened, sir? If you will see, Venus has came into the picture. So yes. She will be having a problem with his married life as well. Just because of this. Yeah. Yes. 1, 2, 3, 4 You are married, and has this happened? Yeah, there might be like physical quarrels as well. Yes. Bhavana ji. हाँ जी sir. ये हुआ है जो बोल रहे हैं. क्या sir? कि इन पैसों की वजह से आपके married life में कुछ दिक्कत आ गई. Sir बहुत ज़्यादा problem है. तो झगड़ा होता है ज्यादा. हाँ जी डेली बेसिस पे ऐसे. ये तो 6th lord in the 7th house. इस टाइम से मेरी सिचुएशन ये है कि मैं चक्रव्यूह के अंदर हूँ जिसमें से मुझे बाहर नहीं निकला जा रहा. मैम बहुत ज्यादा पर्सनल चीज है. बहुत ज्यादा पर्सनल चीज है. मैं पूछ रहा हूँ कुछ हाथ उठाना भी हाथ वाथ उठाने जैसा भी हो गया. हाँ जी सर जी. सॉरी मैंने मैं पूछ रहा हूँ लेकिन जरूरी है. नहीं नहीं सर इट्स ओके. क्योंकि यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है. तो अभी फिलहाल तो सर को बहुत ज्यादा आपको सपोर्टिव रह के संभालना पड़ेगा. और ये जो है ये पैसा जो है ये स्पेक्यूलेट हो गया. ये पैसा मतलब वो बोलते हैं ना चूरा चूरा करके मतलब खत्म कर दिया गया. हाँ जी. तो इसके वापसी का आने का बहुत कम है चांसेस. बट सर जो मेरे ऊपर इतना सारा डेट उधार चढ़ गया है वो मैं कभी उतार पाऊंगी या नहीं. मैम अगर आप अपने कैरियर के ऊपर फोकस करेंगे तो जी. सर सर यू वांट टू से समथिंग रिकार्डो जी. प्लैनेट्स आर बिटवीन राहु एंड केतु ना. Yeah. As you said also, this is a karmic issue actually. Some life, maybe she has done it to him and he is doing it to her now. Very true. Yes, very true. Like, yes, sir. Mars also is retrograde, 12th lord. Mercury is also retrograde, 2nd lord. 2nd and 6th lord. So, isme to dikkat hai actually. So, now... can she do? We'll have to work on some remedy for her. If she focuses on her career, then yes, at least she can earn something. But if she remains waiting for this debt to clear, she'll be stuck. Yeah, very true. Very true, sir. Bhavna ji, kitne saal ho gaye? So, ye 3 saal ho gaye. 3 saal. Agar abhi jab se ye ho gaye, 3 saal mein aapka man aapke kaam pe tha ya nahi tha? Sir, man to kaam mein hai, but
हाँ मैं डिस्टर्ब बहुत ज्यादा हो चुकी हूँ क्योंकि हर तरफ से इतना प्रेशर हो चुका है कि मैं वो फोकस नहीं दे पाती हूँ। ये मुश्किल समस्या है। मैम इस बीच में आपको कुछ मिसकैरेज हुआ है या कुछ ऐसे? नहीं सर। चिल्ड्रंस कितने हैं मैम आपके? मेरी दो डॉटर्स हैं सर। दो डॉटर्स स्टेइंग विद यू? हाँ जी। स्टडी वाइज फिनिश्ड? स्टडी वाइज ओके सर। नहीं फिनिश हो चुकी है एजुकेशन उनकी? नहीं नहीं सर अभी पढ़ रही है। बड़ी डॉटर जो है वो 9th में है, छोटी 3rd में है। मैम आपको बहुत ज्यादा कैरियर के ऊपर फोकस करता है मैम, सर बहुत कैरियर में अभी स्ट्रीम पे किस लाइन में जाऊं? मैम आप डिजिटल क्लासेस कर सकती हैं सर। हमारे एक्चुअली उत्तम नगर का एरिया है, वहाँ पे डिजिटल क्लासेस बिल्कुल भी कोई पेरेंट्स लेने के लिए एग्री नहीं है। ओके अगेन मर्क्यूरी, यस मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इन स्वाति। नहीं आप मैम आप आपको सर प्लीज कैन यू हेल्प मी आउट बिकॉज 6th हाउस शी हैज गॉट मर्क्यूरी एंड मर्क्यूरी इज अगेन लाइक इफ शी इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मर्क्यूरी। जी सर, सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। Not saying anything. I'm listening. Okay, okay. Nikhil ji. Yes, sir. Yes, sir. Please, can you concentrate on this one? Yeah, yes. The victory over competition, the key lies in the mercury. Okay. आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं ना सर? हाँ जी. जी, अभी देखिए मर्क्यूरी ही एक ऐसा है जो स्वाति नक्षत्र में बैठा है वीनस के साथ और स्टार लॉर्ड है राहु। द की इज रियली लाइंग विद मर्क्यूरी। दिस इज व्हाट आई कैन डीकोड राइट नाउ। शी इज डूइंग चिल्ड्रंस एजुकेशन, नो मर्क्यूरी। जी जी, बट अनफॉर्चुनेटली दैट हैज बीन ब्लॉक्ड, शी इज सेइंग दैट। दैट इज फॉर नाउ ना। जी जी, धीरे धीरे क्लासेस भी खुलेंगे। नाउ ग्रेजुअली द कंट्री इज ओपनिंग अप टू क्लासेस, सो मे बी अनदर फ्यू मंथ्स एंड बट एज यू सजेस्टेड नो शी कैन डू ऑनलाइन क्लासेस, इफ नॉट इन हर एरिया शी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन यू नो मे बी शी कैन टाई अप विद सम कंपनीज हु आर गिविंग ऑनलाइन क्लासेस और कोचिंग। जी हेलो मैम। यस सर आई एम लिसनिंग। जी हां जी, आप अपने शहर के बारे में सोच रहे हैं लेकिन क्या है कि आप अभी इंटरनेट के जरिए दुनिया भर में पढ़ा सकते हैं। अभी देखो आप अपने शहर में हो, मैं गोवा में हूँ, बाकी के लोग अलग अलग जगहों पे हैं। तो इसका बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है लेकिन आपको थोड़ा समय लगेगा इसको करने में। आपको मैं ट्राई करती हूँ सर। सुनना चाहिए ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है जी। मैम और दूसरी मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, आपके ब्रदर ने आपके घर से आपके घर में लास्ट टाइम कब आए थे? सर वो आया था मेरे घर में लास्ट टाइम 2019 मई 2019। ओके नाउ आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू समथिंग। मुझे पराश्रय का मैं आई कैन नॉट रियली कमेंट ऑन पराश्रय बट यू विल सी दिस थिंग द 8th हाउस मून
in Krishnamurti Paddhati, it is very clear. 8th house, the star lord, the nakshatra lord, is connected with Ketu. Sir, am I audible? Yes, you are audible. You are audible. Okay, now the star lord is connected with Ketu. So definitely the brother has done a witchcraft on her. In Krishnamurti Paddhati, it is very clear that the brother has done something on her as well. Sorry to say, ma'am, lekin ye bahut clear hai yahan par. Then maybe ho sakta hai. सर के लिए कोई रेमेडी या कुछ? जी 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 मैं वही देखना चाह रहा हूँ. मून मार्स मर्क्यूरी रेमेडीज विल हेल्प हर. मून मार्स मर्क्यूरी ऑलराइट. निखिल जी कैन आई एक्सेस सर आई हैव फॉरवर्डेड समथिंग टू योर व्हाट्सएप एक्चुअली एंड नंबर कॉम्बिनेशन डिड यू रिसीव. हेलो या डिड यू सी सर? Just a moment, sir. Ask her to keep this combination on her drawing room wall. Okay. Ask her to paste this number combination on her drawing room wall. Okay. Things will improve. This combination. Get the number here also. There is nothing in that also. It is something good for everyone, right? Sorry. It's a sequence of numbers or. Yes. Grabovoi number? Sorry. Grigori Grabovoi or what number is it? It's based on Kapala actually. Okay. So what sort of number is it? So based on the birth chart and her planetary dignities, I have prepared the number pattern. Okay. So once... Sorry, I'm not able to hear you, sir. She has to just draw the write the number on a paper and keep it, or what does she have to do? Actually, she has to write the number with her own hand, not printing or anything, with her own hand. Okay. If you give me permission, can I share it on the group? Yeah, sure, sir. Share it on the group. So basically, Mr. Ricardo also, he will be able to see it. Yeah. So, जी भावना जी बेसिकली जो निखिल जी ने अभी आपके लिए दिया है ये नंबर का चार्ट है. ये आपको आपकी ड्राइंग रूम में लगाना है और आपको अपने हाथ से बनानी है ये. तो सर ये कौन से नंबर है? मैम इसे कबाला न्यूमरोलॉजी कहा जाता है. ये जो आपके मिसिंग नंबर्स हैं उसमें हेल्प करती है. ओके. और न्यूमरोलॉजी में बेसिकली इसके ऊपर बहुत ज्यादा ये ध्यान दिया जाता है. तो सर ये नंबर्स मेरे को कैसे पता चलेंगे कौन से हैं? मैम ये बस आप इच्छा बता रहे हैं आपको जी. आप ये चीज पे विश्वास रखिए और कीजिए. और निखिल जी भी अभी आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देंगे इसके बारे में. ये चीज अभी बता रहे थे आपको. और दूसरी जो चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपका जो है वो मंगल भात पूजा करवानी पड़ेगी आपकी. एक पूजन होता है मंगल भात पूजन और राहु केतु शांति करनी पड़ेगी. जैसे रिकार्डो जी ने कहा कि आपका जो है ना मतलब जैसे कहा जाता है कि सारे मतलब काल सर्प योग के जैसी एक चीज होती है क्योंकि आपके सारे ग्रह जो है ना काल सर्प योग के भांति एक के अंदर आ चुके हैं. हाँ जी. आपको मंगल भात पूजा बहुत मदद करेगी. ओके. कालहस्ती टेंपल आल्सो कैन हेल्प हर. देयर इज अ टेंपल कॉल्ड कालहस्ती टेंपल. राहु केतु कर्नाटका में है. हाँ. ओके. No, it's in Andhra Pradesh. It's Andhra Pradesh. It's in Andhra Pradesh. Andhra Pradesh. Sorry. Yes. It's near to Tirupati Balaji.
temple only. Yes. So she has to go there, get the puja done, and leave on the same day. She must not stay there. Okay. उधर रहने का नहीं, आप वो पूजा करके निकल जाइए तुरंत उस शहर से, वापस देखना नहीं, पीछे भी मुड़ना भी नहीं, देखना नहीं. पूजा करके जैसे कि हो गया आप उतरो और निकल जाओ वहां से. ठीक है. That will be one help. और राहु केतु का इश्यू आपका हेल्प करेगा. और केतु is also in the ninth house, ना? So her fortune also केतु. So गणेशा will help her. So गणेश जी can help you. Chanting for गणेशा और कुछ आप उसको उसके पूजा वगैरह कुछ कर दें. मंगलवार पे. ठीक है. Okay. मैं करूँ. मैम मुझे ये जानना है, जो लास्ट टाइम आपके ब्रदर आपके यहाँ पर आके गए थे, उन्होंने आपके घर पे क्या निशानी छोड़ी है? सर उसने मुझे मतलब ऐसे, जो उसकी डॉटर आई हुई थी तो वो लेट नाइट आया था और वो उसको लेके ही गया था और बाकी मेरे से ही कुछ बदतमीजी करी थी, बाकी ऐसे तो कुछ छोड़ा तो नहीं था. मैम आपका कुछ कपड़ा गया है? नहीं सर. आपके घर से आपका कुछ कपड़ा गया है? नहीं. या आपके बेटियों का कपड़ा गया है कुछ? नहीं सर, कपड़े तो नहीं गए. आपके घर पे कुछ रखा गया था उसके बेटी के द्वारा? सर ऐसे तो मेरे माइंड में नहीं. थोड़ा चेक कर लीजिएगा. आप ग्रुप पे तो कनेक्टेड हो? हाँ जी. कभी भी जी आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्टली याद नहीं आएगा, क्योंकि मून का जो है कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, आपको अभी नहीं याद आएगा, आपको थोड़े टाइम के बाद ही याद आएगा. आप मुझे प्राइवेटली भी मैसेज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. ठीक है. तो वो नंबर्स मुझे आप बता दीजिए. जी मैंने ग्रुप में डाल दिया. मैंने ग्रुप में डाल दिया. आप वो नंबर अपने हाथों से लिखेंगे और उसको अपनी ड्रॉइंग रूम में लगा दीजिएगा. इसको दरवाजे के पीछे होना चाहिए नंबर्स को. ठीक है सर. And after six days, ask her to remove that. After six days. मैम 6 दिन के बाद निकाल दीजिएगा. ठीक है. तो ये मैं कल मॉर्निंग में कर लूँ सर या अभी करूँ? नहीं नहीं आज नहीं, आज नहीं, कल कल करो. हेलो जगजीत सर. जी जी अनिल जी. थोड़ा व्हाट्सएप में आइए जी प्लीज. मैम आपका केवल एक ही भाई है ना मैम? हाँ जी सर. कोई मिसकैरेज हुआ था आपकी मदर को? हाँ जी सर. हुए जी मैम. हाँ जी हुए मैं सर. यस यस दैट इज इंडिकेटिंग एक्चुअली शी लॉस्ट सिब्लिंग वन और टू सिब्लिंग्स. या ओके. एंड द बेस्ट मंत्र इज Navanaga Stotra. It gives you very good remedy. Ask her to chant Navanaga Stotra. You can search in Google. Navanaga Stotra. Navanaga Stotra. Navanaga Stotra. That reduces the negative effect of Rahu, Mars and Ketu. ओके. ये चीज भी मैंने ग्रुप में डाल दिया. ओके सर. नवनागर स्तोत्र है जो ये किया गया है मैम. और दूसरी चीज है, आपको बहुत ज्यादा अपने आप को जो है बहुत डिफिकल्ट है हम लोगों के लिए भी कहना, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये कार्मिक पैटर्न है जो आपको वापस आया है. तो प्लीज इसे बहुत आपको
दिलेरी से करना होगा ये सिचुएशन को हैंडल. ओके मैम. और ये जो बेसिकली मिस्टर निखिल ने कहा है करने के लिए, वो आपको ब्लैंक पेपर पे नहीं करना है, आपको करना है लाइन वाले पेपरों पे ही करना है. ओके ठीक है मैम. और आपको ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है, हाँ जी, मंत्र जब से काफी आपको फर्क पड़ जाएगा. ठीक है सर. क्योंकि आपके जो आठवें six times and it should be done after bath in the evening. Actually it should be done after bath in the evening. आप संध्या स्नान करते हैं? नहीं सर, संध्या स्नान तो नहीं करती हूँ. ओके तो वो उसके बाद मतलब आप थोड़ा वो भी करने का कोशिश करें. ठीक है सर. Between 7 and 8. उसके बाद and ask her to remove it after 6 days. Right. This number pattern from the जी from the मैम आपके घर से जो साउथ की ओर देखती है दिशा, वहाँ पर क्या है? सर बेसिकली मेरे घर के वहां से तो नॉर्मल सबके घर ही है, कुछ ऐसा नहीं है. नहीं मैम, अगर मैं आपका दरवाजा खोलता हूँ, हाँ जी, तो ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ होता है ना सर? साउथ में नहीं, ऐसे से कुछ नहीं बना हुआ. क्या है क्या वहाँ पर? सिंपल वॉल है सर. बेडरूम है या साउथ में तो सर, साउथ में क्या है? नहीं सर, ऐसा प्रॉपर साउथ में कुछ नहीं है, सिंपली वॉल्स ही बनी हुई है. हेलो, सॉरी अनिल जी, एम आई ऑडिबल? या ओके. ऑन द साउथ शी हैज, शी इज नॉट सपोज टू, शी शुड नॉट कीप एनी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इन द साउथ. राहु गेट एक्टिवेट. राहु इज कंजक्टेड विद मार्स. नो या सो राहु एंड मार्स, कुजा राहु संधि दोष, संधि दोष. Okay. It is indicating Sandhi Dosh. Right. It's almost like Rahu Guru Chandal Yog. It's similar to Rahu Guru Chandal Yog. Yes. So it is affecting. That is in third house. Third house means siblings. That lord is in eighth house. So a lot of problems with her siblings. Mm-hmm. Correct? Yes. Nikhil ji? Yes, sir. And moon is in eighth house. Moon is in the eighth house. That's the biggest thing, sir. And that it is in the, that is the biggest nakshatra problem. Of, yes. Yeah. Nakshatra of Ketu. Ketu is in the ninth house, indicating very clearly it is the past life karma. And exactly. For Ketu, Ganapati. Ganpati. Yes, yes, exactly, sir. Tuesday. The best. Ganapati sorry. Remedy karna hai, Bhavana ji. ठीक है सर. अरे
I would like to suggest Ganapati, Ganesh Atharva Shirsha. You can listen, just listen to Ganesh Atharva Shirsha. Okay. Ganesh Atharva Shirsha can help you. Atharva means it is nothing but whatever the black magics are or something. It reduces your most of the negative thing. Okay. Important thing is to start on Tuesday, Mangalwar pe. Mangalwar pe, yes. Mars and Ketu both will get controlled by that. Ganesh Atharva Shirsha particular. Just listen to that. Just listen to that. Sir, what about the remedy, sir? Actually, there is something. She has to do this Mangal Bhat Puja. Okay, Nikhil ji, no problem. Thank you very much for contributing your valuable time. Yes, I'm really, really very, very thankful to you. And yeah, we will continue, but thank you so much. You've been very, very helpful. Sure, sir. And Nikhil ji, I learned from all of you. Ji. I learned a lot from you. Thanks for this wonderful platform. Sir, same here, same here. We are really delighted. Sir, Anil sir and Jagjit sir all gave me very different perspectives. Thank you. Thank you. Ciao. Okay. And hopefully we'll Thank see you in bye next bye. Take care. Bye. Upcoming Moha Krishna as well. Sure, sir. We'll be more than eager to meet all of you. Ciao. Thank you. Okay, sir. Thank you. Thank you for this platform, sir. Yes. Ciao. Okay. Bye. Sir, as for the remedy is there, she has to do the Mangal Bhat Puja and this is the basic means the basic things that we see in this Vedic, because her moon and Rahu, it is not a one time thing which has happened. Sir, you have Mars to, and Rahu. Yeah, Mars and Rahu. Mars and Rahu. It has happened in the Jala Rashi. Jala Rashi is going to, it is like a flow, which is not stopping at one time. It is going to be repeated again. And especially over here, her sixth house is activated with the seventh house. So, means the, like I said, about the physical violence. Yes. Yes. To stop more, that. Bhavna ji. हाँ जी सर. आपके पति कुछ तो सुनते हैं या बिल्कुल नहीं सुनते आपका? बिल्कुल नहीं. Difficult, because there was one option of doing sarpa seva, but in your case, if he is not cooperating, then it is difficult. Sarpa Seva would have helped your Rahu Ketu issue and also your issue with the husband. But if he is not willing, then it is difficult. Sir, usme kya karna hota hai? Perfect remedy, perfect. Sarpa Seva kya hota hai ki jo couple hai, pati patni ya jo bhi hai, unko dono saath mein jaake wo ek process karna padta hai. Lekin wo sunta nahi to mushkil hai. Lekin kabhi bhi aage zindagi mein wo karne ko tayar hai. Ek ऑप्शन है वो ईशा योगा सेंटर कोयम्बतूर में करते हैं, बाकी के और कुछ टेंपल्स रहेंगे इंडिया में, आपको देखना पड़ेगा. तो बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसको, 15 मिनट या आधा घंटा शायद लगेगा. नहीं ओके. तो क्या करता है कि जैसे कि जो लाइक यू नो यू आर एंटेंगल्ड, मतलब क्या है कि आप फंसे हुए हैं. हाँ जी. आप और पति दोनों फंसे हुए हैं एक दूसरे से, वो जो फंसा हुआ है वो छुड़वा देता है और आप साथ में मिलन से रह सकते हैं. ओके. हाँ सर, कैन यू रिपीट दैट थिंग? कैन यू रिपीट द बेसिकली दे आर एंटैंगल्ड. नहीं नहीं, आई गॉट दैट थिंग. द पूजा, द रेमेडी, सर्पा सेवा संस्कार. व्हाट? एंड इट इज डन. It is done in which Isha place? This the Bhairavi temple in Isha Yoga Center, Coimbatore. Okay, and she can do this it online for, as well? No,
they have to go there. That is the whole problem. That's why I was asking. Okay, okay. It's for couples, basically any couple right. which is having problem. Acha. They're fighting with each other and all that. You know, okay. They're not getting along. I would like to one time at least do that. Okay, sir. I'm really very sorry, but we are going to end the meeting, and after this meeting, it won't be possible to connect back. No problem. So, yeah. Bhavna ji is connected in the group. Thanks for the platform. My pleasure. My pleasure. We'll be doing it on a regular basis. Thankful to Anil ji, and you and Nikhil ji. Bhavna ji, आपको ग्रुप में इसकी रेमेडी मिल जाएगी. आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं. रिकार्डो जी हमारे साथ हैं ग्रुप में. Okay. तो और इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं रख रहा हूँ. Okay. तो उसकी लिंक मैं आपको भेज दूंगा. हाँ जी सर. तो आपको जी आपको ये बेसिकली पूरी रेमेडी